हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजू सिंह क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने आया हूँ, जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब अप्लाई होगी। कई सारे बच्चों ने मुझे मेल भी किया था कि सर, जो अभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई होगी या नहीं होगी। तो बेटा देखो, सभी के आंसर आपको मिलेंगे, ध्यान से वीडियो को देखना। अब सुनो बेटा, सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो कब अप्लाई होगी। वो अप्लाई होगी 2023 और 24 में। मीन्स सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो 2024 के एग्जाम देगा बेटा, उन स्टूडेंट पे अप्लाई होगी क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब इसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। देखो, जो बच्चे अभी 10th क्लास में हैं, ठीक है, जो बच्चे 11th क्लास में हैं और जो बच्चे अभी 12th क्लास में, इन तीनों क्लास के बच्चे 10th 11th 12th जो इस साल 10th 11th 12th में जो पढ़ रहे हैं, उन स्टूडेंट पे कभी भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि अगले 3 साल न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई नहीं होने वाली। ठीक है, तो जो भी 10th क्लास के बच्चे इस साल बोर्ड के एग्जाम हैं जिनके, उनके बोर्ड के एग्जाम होंगे, ये सोचना मत कि आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम नहीं होंगे बेटा। आप लोगों को बोर्ड की, ठीक है, जितने जो भी एग्जाम है वो, ठीक है, देने पड़ेंगे और बोर्ड की प्रिपरेशन भी करते चलो। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की कि किस किस पे अप्लाई होगी। बेटा जो बच्चे अभी 9th क्लास में, ठीक है, जो बच्चे अभी 9th क्लास में या 9th क्लास से नीचे 8th 7th, ठीक है, फर्स्ट जहां तक भी हैं बेटा, उन बच्चों पे अप्लाई होगी। लेकिन कब? जब वो 2024 में अपने बोर्ड के एग्जाम देंगे। मैं 9th वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी 9th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं बेटा, आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2024 मीन्स जब आप 12th क्लास में हो जाओगे तब आपके ऊपर न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो अभी 10th क्लास में है, 11th में है और 12th में है बेटा, आपको वही पुराना जो मेथड था, ठीक है, साइंस 11th में जाके जो साइंस लेनी है, साइंस के वही सब्जेक्ट रहेंगे आपके, PCMB, और जो कॉमर्स हैं वही सब्जेक्ट रहेंगे आपके, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इंग्लिश जो भी है, ठीक है, तो यही आपका चलेगा। तो आई थिंक आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर होगी होगी। सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन थी वो ये थी कि बच्चे कंफ्यूज थे कि इस साल बोर्ड की प्रिपरेशन करें ना करें, क्या करें, ठीक है, स्कूल के एग्जाम होंगे, बोर्ड के होंगे, उन्हें पता ही नहीं चल रहा था। तो भाइयों, आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम होंगे, ठीक है, तो ध्यान रखो बच्चों, प्रिपरेशन करते चलो, ठीक है। दोबारा बेटा ध्यान से सुनो, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। 10th 11th और 12th इन तीनों क्लास में बच्चे जो पढ़ रहे हैं बेटा, आपके ऊपर कभी भी मीन्स स्कूल में आप, ठीक है, आपके ऊपर न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई नहीं होने वाली। सीधा सीधा याद रखो यार, 2024 के जो एग्जाम होंगे उसी पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई होगी, ठीक है। तो 9th वाले बच्चे खुश हो जाएं, लेकिन 9th वाले भी बेटा 12th में जाके खुश होंगे, ठीक है, कि 12th में लगेगी। उससे पहले जब आप 10th में होंगे तब भी बोर्ड का एग्जाम देना है, ठीक है, 11th में तो चलो बोर्ड होता नहीं है, लेकिन 12th में आपको वहां पे जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जो भी बच्चे 9th या 10th क्लास में, आप लोगों के लिए यहाँ पर इस चैनल पे जो है, ठीक है, सिलेबस, पूरा सिलेबस आने वाला है बहुत जल्दी बेटा। मैं एक नया स्टूडियो तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है बार बार, जहाँ पर मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए जो मैं वीडियो लेक्चर तैयार करता हूँ बेटा, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, बफरिंग हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से मैं पूरा स्टूडियो बना के यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए न्यू लेक्चर्स लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करो यार, थोड़ा टाइम दो मुझे, आप लोगों का बहुत जल्दी सिलेबस आ जाएगा। 10th वालों को डरने की जरूरत नहीं है बेटा, दिसंबर जैन तक मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो मुझे। लेकिन मैंने जितना आपको करवा रखा है उतना आप रिवाइज करते चलो, ठीक है, पूरा सिलेबस आ जाएगा बहुत जल्दी। और यार, अपने जितने भी दोस्त हैं उनको ये वीडियो भेजो, ताकि उनको भी एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि काफी बच्चे कंफ्यूज हैं कि यार बोर्ड की प्रिपरेशन जो है, ठीक है, क्या है, करें ना करें। तो बेटा पहली बात तो यही है कि भाई बोर्ड की प्रिपरेशन करो ना करो यार, आपको अपना सिलेबस तो कंप्लीट करना है, चाहे बोर्ड हो जाए या ना हो, ठीक है, अपना सिलेबस करते चलो। और आप तो कंफर्मेशन आ चुकी है कि बोर्ड के एग्जाम होंगे। अब यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि 2024 से क्यों अप्लाई हो रही है। बेटा 2024 से अप्लाई इस वजह से हो रही है क्योंकि जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें आनी है न्यू NCERT। तो नई NCERT लाना इतना ईजी नहीं है, तो NCERT वालों ने भी 3 साल मांगे हैं कि भाई हमें यहाँ पर न्यू बुक्स लाने में कम से कम 3 साल लगेगा, ठीक है, नया सिलेबस लाने में 3 साल लग जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा टाइम लेके जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई होने वाली है,
बहुत मजा आने वाला है। जो छोटी क्लास के बच्चे हैं बेटा, नया नया सिस्टम आने वाला है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ाई करने में, ठीक है। बट जो 10th और 11th 12th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए एक तरह से गुड न्यूज नहीं है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, अभी जो सिस्टम चल रहा है वो इतना भी बेकार नहीं है, हम भी उसमें से पढ़े हुए हैं, ठीक है। हमने भी जो किया है उसी से पढ़ के किया है, तो आप लोग भी कर सकते हो काफी अच्छे से। और एक बात और है बेटा, जो बच्चे 11th 12th में होंगे, आप लोगों के लिए एक न्यूज दे दूं मैं एक नया चैनल लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट ईयर से, जिसमें मैं 11th 12th के साइंस स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट है उनको करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए। तो जो 11th और 12th क्लास में वो बच्चे भी इस चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है। चलो तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम और जो है न्यूज़ जो आएगी उस पर बात करेंगे, और जो हमारे वीडियो क्लासेस हैं, ठीक है, वो भी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।